वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंक टाइम। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक में कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि आज की वीडियो में आप लोगों को UZ 4.5 बाइक के पल्सर 150 UZ 4.5 बाइक की कार्बोरेटर का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं UZ 4.5 कार्बोरेटर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो मैं सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो इसमें आप ही का ही नुकसान है। इस वीडियो में मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो पूरे YouTube में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करते हैं, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये इसका पार्ट नंबर है DH12 1154। ओके, तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। और इसके साथ दोस्तों मैं खरीद के लाया था ये JC 10-10-34, यानी ये अपना टेंशनर है, जो टाइमिंग चेन की असेंबली होती है उसका ये चेन टेंशनर है। ये देखो, एक्चुअली ये मैं चेंज कर चुका हूँ और ये ख़राब हो चुका था मेरा। इसकी जो ये स्प्रिंग थी ये लूज़ हो चुकी थी, ये बार बार पुश हो जाता था, बार बार मैं इसको टाइट करता था, बार बार ये पुश हो जाता, जिसकी वजह से मेरी बाइक की आवाज़ जो है जनरेटर की तरह हो जाती। तो इसे मैंने चेंज कर दिया, ये मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसे पहले चेंज कर दिया है। ओके, ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। आप इसका पार्ट नंबर चाहें तो पार्ट नंबर यूज नोट कर सकते हैं। तो अगर आपकी बाइक में से भी जनरेटर जैसी या कट 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 की आवाज़ आती हो, तो सबसे पहले तो आप अपने इस चेन टेंशनर की, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ऑलरेडी ओपन है, ये ख़राब हो चुका है, देखिए मैंने चेंज कर दिया, इस पर ऑयल भी लगा हुआ है थोड़ा मोड़ा। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इसके अंदर में आप जो अपना टेस्टर वाला पेचकस होता है जिससे हम लाइट वगैरह चेक करते हैं, उससे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी जिस साइड हम खोलते हैं किसी भी नट को, जिस साइड खोलने के लिए घुमाते हैं उस साइड घुमाओगे, तो ये अपने आप ही ये और लंबा हो जाएगा। हालांकि ये इसका फुल साइज़ है, ये अभी मैंने छोटा नहीं कर रखा है, ये फुल साइज़ है, तो ये लंबा हो जाता है। ये रियल में इतना बड़ा होता है, मतलब जब आप पैकेट बंद लाओगे तो ये इतना बड़ा मिलेगा, जब आप इसको टाइट करोगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये चेन को पुश करेगा, जिससे चेन टाइट हो जाती है अपनी और जो कट 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 की आवाज़ आती है वो आनी बंद हो जाती है। ओके, बड़ा इरिटेट सा साउंड आता था, बार बार मैं इसको टाइट करता था लेकिन ये बार बार ख़राब हो जाता था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके MRP की। तो इसकी जो MRP है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, 207 रुपये। लेकिन जब ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 175 रुपये का पड़ा है। ओके, यानी MRP पे भी मुझे इतना डिस्काउंट मिला है। अब आप देख सकते हैं 207 रुपये और 175 रुपये। ओके, तो लगभग 40 रुपये के आसपास है ना, हाँ 35 या 40 रुपये के आसपास का हमें इस पर डिस्काउंट मिला है। ओके, तो ये तो हो गई अपनी चेन टेंशनर की बात। अब कर लेते हैं हम बात इसकी, इसको रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं हम इसकी अपने कार्बोरेटर की। तो ये अपना कार्बोरेटर है, इसका जो पार्ट नंबर है DH 12-11-54। ओके, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसका MRP देखिए 2511 रुपये। ओके, आप देख सकते हैं 2511। और इसकी आप डेट भी देख सकते हैं, पैकेजिंग जो डेट है 10-2021, यानी अभी आपका दिसंबर चल रहा है, आज की जो डेट है वो है 8-12-2021। ओके, और मैंने ये अभी आज ख़रीदा है 8-12-2021 को, यानी 2 महीने पहले की डेट है ये। और इसका MRP है 2511 रुपये। लेकिन आप जब इसका रेट आप सुनोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिलीव होगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ख़रीदा है 1975 रुपये का, 2511 और 1975, यानी लगभग 500 रुपये का मेरे को इसमें डिस्काउंट इसमें मिला है। तो अगर आपको आपकी लोकल मार्केट में, आप देख सकते हैं ये जेन्युइन है दोस्तों, आप इसमें इस पर ये देखें, अगर आप देख सकते हो तो ये देखें इस पे, ये है ना, ये बजाज इसमें आपको शो होगा, आप इसको थोड़ा जैसे इस तरीके से करोगे तो, और कार्बोरेटर असेंबली पल्सर है ना, तो ये अपना है, इस पर उन्होंने अपने पेन से इंडिकेट किया हुआ है UZ3,
2511। ओके, तो जो भी है वो इनका पार्ट नंबर होगा 2511, शायद इससे रिलेटेड DH 1211 54 से ये इन्होंने कुछ भी ले सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। DH 1211 54 ये अपना असेंबली नंबर है इसका, पार्ट नंबर सॉरी, और 2500 का नाल पढ़कर ये मुझे मिला है 1975 रुपये का। ओके, तो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा, मेरे पास इसका बिल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल दिखाता। और अगर आपकी मार्केट में इससे सस्ता मिले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने का मिला और कितने का डिस्काउंट आपको इस पर मिला है। ओके, तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, इसको करते हैं कट, ये मैंने कट कर दिया इसको, ये भी कर दिया। ओके, ये खोल लेते हैं इसे इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, ये मेरा जो कार्बोरेटर है, आप अपने हिसाब से अपनी बाइक का मॉडल देख करके ही कार्बोरेटर को परचेज करें। मेरा यूजी 4.5 है, जैसा कि इस पर इंडिकेट किया हुआ है, तो एक यूजी 3 भी लिखा हुआ है इस पर, तो मेरे ख्याल से ये यूजी 3 से लेकर यूजी 4.5 तक कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल है, ये लग सकता है, इंस्टॉल हो सकता है। ओके, तो चलिए इसको फटाफट सब हम खोल लेते हैं, और ये देखिए ये आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस कार्बोरेटर की आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, वो है ये देखिए, ये KIUZ 4.5 है ना, उसके बाद ये इसका कुछ सीरियल नंबर होगा 1X16A कुछ इस तरीके से, और इसके साथ में इसका ये QR कोड भी इसमें प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहले आप अपनी बाइक, जब भी आप अपनी बाइक के लिए कार्बोरेटर खरीदने जाओगे तो आपको इसी जगह पर, आपकी अपनी बाइक में भी इसी जगह पर आपको अपनी बाइक का UZ3 है, UZ4 है, UZ4.5 है, UZ5 है, UZ6 है, ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर भी एक स्टिकर आपकी बाइक में आपको मिल जाएगा, ये देखिए KIUZ 4.5 है ना, जब आप अपनी बाइक का कार्बोरेटर खोलोगे तो उसके इस कैप पर भी आपको ये पार्ट नंबर मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ही आपको अपनी बाइक के लिए कार्बोरेटर खरीदना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप नया खरीदोगे तो ये आप अंदर की स्लाइड को ज़रूर देख लेना कि ये कहीं से घिसा वगैरह तो नहीं है, इसमें कोई घिसावट तो नहीं है, या पुराना सा तो नहीं है, ये इसकी ये घिसावा नहीं है दोस्तों, ये शाइनिंग की वजह से थोड़ा सा, ये जो रोशनी आ रही है उसकी शाइनिंग की वजह से आपको लग रहा है, घिसावा नहीं है। ओके, और इससे ये एक्सीलेटर का है अपना, इससे चेक कर लेना अपने को इस साइड का हिस्सा, ये देखिए। ओके, और इसमें अब हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी दोस्तों, और इसको ऐसे का ऐसा एज इट इज लेकर अपने को इंस्टॉल कर देना है। ये अपना जिधर अपना एयर फिल्टर होता है ये उस साइड का हिस्सा है, और ये इधर जिधर अपना इंजन का हेड होता है उस साइड का हिस्सा है। ओके, तो इस साइड से इसको असेंबल इंस्टॉल करना है, और इस साइड से उस वाले हिस्से का हॉस पाइप, जो जिसको क्या बोलते हैं अपना एयर फिल्टर का हॉस पाइप इसमें लगेगा, और इधर अपना वो लगेगा थ्रोटल, मुझे पूरी तरीके से नाम नहीं पता, लेकिन मतलब फ्रंट का ये है और ये बैक साइड है। ओके, तो एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, अब इसको रखते हैं इसके अंदर, हुआ क्या था, मेरी बाइक का जो कार्बोरेटर है मैंने उसको खोल करके क्लीन किया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी उससे पेट्रोल ओवरफ्लो होता था इस जगह से, मैं फिर से दिखा देता हूँ, इस जगह से ओवरफ्लो होता था। ओके, मैंने उसका वो निडल भी चेंज किया, तब भी मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर मैंने सोचा कि मुझे इसका फ्लॉट चेंज कर देना चाहिए। फ्लॉट आप जानते हैं जो प्लास्टिक का इसके अंदर होता है, इसी के अंदर प्लास्टिक की दो छोटे छोटे डब्बे टाइप की होती हैं, तो मैंने सोचा वो चेंज कर दूँ, तो उसका भी कॉस्ट मुझे अराउंड 300 के आसपास लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो मैंने सीधे ही अपने कार्बोरेटर चेंज करने का ही फैसला किया, और मैं जा करके इसे खरीद लाया, क्योंकि ये मेरे को 2500 का ना पड़ करके 500 रुपये का मेरे को डिस्काउंट भी इस पर मिला, तो मैंने इसे खरीदना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि अगर मैं उसको लगाता और फिर भी मेरा अगर वो काम नहीं करता तो मेरे वो पैसे बिल्कुल वेस्ट हो जाते, इससे अच्छा कि मैं इसको चेंज ही कर दूं फ्यूचर में, बाकी कभी देखेंगे अगर उसका यूज़ वो अगर ठीक हो जाता है या उसका कोई यूज़ होता है तो उसको देख लेंगे। ये तो अनबॉक्सिंग था, और इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्योर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, और
इससे भी रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा। ओके, आप एक बार फिर इसे देख लीजिए, इसका जो पार्ट नंबर है। जब भी आप कभी किसी शॉप पर लेने कोई भी बजाज का कोई भी पार्ट लेने जाओ, कोई भी स्पेयर पार्ट लेने जाओ, तो उस पर ये बजाज वालों का DH करके, JK करके, JC करके, DC करके, इनसे ही पार्ट नंबर शुरू होता है। और इसके थ्रू आप उस चीज़ का MRP और उसका सारी डिटेल को आप नेट पर चेक कर सकते हैं। ओके, कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए इसमें भी आपको सेम वही चीज़ें देखिए, है ना, बजाज का ये यहाँ पे, ये देखिए बजाज का लोगो दिखा होगा आपको, और बजाज करके कुछ है ना, ये इससे हमें ये पता लगता है कि ओरिजिनल है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।